बॉलीवुड में हलचल की तरह राजनीति गलियारे भी सुर्खियों में छाने की पूरी कोशिशें करते हैं। एक के बाद एक बयानबाजी से लोग चर्चा में तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो किसी को ठेस भी पहुंचा सकता है। खैर, पोस्टर वार पर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश के प्रवक्ता बोल रहे हैं और बात सुशील कुमार मोदी की हो रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है भला। ये आरजेडी और जेडीयू का मामला है, आपस में ही दोनों फरियाए, इसमें वे कुछ नहीं कह सकते। देखिए क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। पोस्टर लगा और आरजेडी के बीच जो वार चल रहा है, उसमें हम तो कहीं नहीं है, दो पक्ष के बीच में है वार। अब आपस में लोग फरियावे, लेकिन हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी से कि बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है, जनता का काम कीजिए। अभी वार अपनी जगह है, उसको झेलते रहिए, न झेलिए वो आप जानिए, लेकिन जनता का काम। सर, विधानमंडल पास एक बड़ा पोस्टर लगा, उसमें लिखा गया है कि सुशील मोदी के इशारे पे जो है नीतीश के प्रवक्ता लोग बयान दे रहे हैं, इस पे क्या कहना है सर? अभी नीतीश जी बताएं कि किसके इशारे पर उनका प्रवक्ता बयान दे रहा है। अब प्रवक्ता नीतीश जी का और बात चल रही है सुशील जी की, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जेडीयू के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।